अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलेनिया ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की पत्नी ब्रिगिटी मैक्रॉन के साथ सी नदी में नाव की सैर का लुफ्त उठाया। सैर खत्म करने के बाद दोनों ने मीडिया वालों का हाथ लाकर अभिवादन किया। इस दौरान नदी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ट्रंप इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी फ्रांस गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके जरिए सचिवालय में मारपीट करने का आरोप उल्टे मीडिया पर ही लगा दिया। तो वहीं आरजेडी ने भी अपने नेता का खुलकर बचाव किया और किसी भी सूरत में तेजस्वी के इस्तीफे से इनकार किया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि देखिए लालू के बेटे कैसे बिहार में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। बेहद तरीके से एडिट किए गए इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई कि पहले तेजस्वी यादव के सिर पर एक माइक से चोट लगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक मामूली धक्का मुक्की को पत्रकार की ओर से किए गए हमले के तौर पर दिखाया गया। तेजस्वी ने वीडियो जारी किया तो उनके भाई तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर मीडिया पर निशाना साधा और लिखा कि पत्रकारिता का टैग लगाकर मनमानी और सुरक्षा घेरा तोड़ने की छूट है क्या? पत्रकारिता का लेबल लगाकर गुंडई और दुर्व्यवहार की अनुमति है क्या? तो लालू यादव ने अपने ट्वीट में मीडिया को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। यानी पटना में मीडिया कर्मियों से हुई मारपीट के मामले को लालू परिवार ने अलग रंग देने की कोशिश की, लेकिन इससे बात बनी नहीं क्योंकि महागठबंधन में सहयोगी जेडीयू ने इस घटना को लेकर सवाल उठा दिया और पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी की निंदा की। मीडिया के साथ जो बदतमीजी हुई है और जो दुर्घटना हुई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो बीजेपी की ओर से भी आरजेडी पर हमले जारी रहे। मीडिया अगर प्रश्न उठाए और वो प्रश्न आपको चुभे या उसका जवाब आपके पास ना हो तो आप मीडिया पे प्रहार नहीं कर सकते। मीडिया कर्मियों से मारपीट की घटना के बाद कई सियासी दलों ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। तो वहीं जेडीयू का रुख तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ा रहा है क्योंकि बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद तेजस्वी ने आरोपों पर जो सफाई दी उससे जेडीयू संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जेडीयू ने एक बार फिर इशारों में आरजेडी से जवाब मांगा। सकारात्मक रूप से तथ्यों के साथ बिंदुवार उसका जवाब चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी भावना का भी सम्मान करेंगे। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार से तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग की। अगर तेजस्वी यादव रिजाइन नहीं करते हैं तो जिस तरह पहले के मंत्रियों से रेजिग्नेशन इन्होंने लिया, बर्खास्त किया, तो इनको भी बर्खास्त करें। फिलहाल जेडीयू अब भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन आरजेडी को कड़ा संदेश जरूर दे दिया है। हालांकि जेडीयू की ओर से बार बार गठबंधन धर्म के पालन की दुहाई भी दी जा रही है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच जबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहे। इस कड़ी में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के इस्तीफे से इनकार किया और गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल पर नीतीश को घेरा था।